अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का पैसा हवाला का पैसा मुंबई की फिल्मों में लगा है, मुंबई की फिल्मों में हवाला का पैसा लगा है। और जो सैफ अली खान जैसे एक्टर हैं उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। ये बंदा कहता था कि जो है भारत, तो भारत नाम का तो कोई देश ही नहीं था अंग्रेजों के आने से पहले, इसका बयान बता रहा हूँ। अच्छा, भारत नाम का कोई देश नहीं था तो कंगना ने पूछा था फिर महाभारत क्या है। गीता पढ़ लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हे भारत, भैया जो है बायकॉट हो जाएगा और कुछ दिन में पब्लिक के जो है ना ऊपर से इतने लठ पड़ेंगे तो ओले 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 हो जाएगी, है ना, कि जब भी मैं कोई टॉपिक देखूं तो मेरा मुंह ऐसे खुले जैसे ओले ओले पड़ेंगे ऊपर से। मंजीत भाई, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है, जिस तरीके से हमने देखा है कि बॉलीवुड की जो विचारधारा जो है वो हिंदू विरोधी रही है, तो अभी जो है सैफ अली खान की मूवी आ रही है प्रभास के साथ जो भगवान श्री राम के पर आधारित है, उसमें प्रभास जो है वो जो मेन किरदार कर रहे हैं वो भगवान श्री राम का, लेकिन वही सैफ अली खान जो किरदार निभा रहे हैं रावण का, तो उन्होंने जो है रावण के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जो लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे इतिहास और हमारे महापुरुषों पे जो लांछन लगाते हैं या जो रावण को फ्रेम कर रहे हैं, क्या हुआ पिछले कुछ समय से एक चक्कर चला है अपने देश के अंदर, हमारे देश में राजनीति ने जातियों में इस देश को बांटा है, ये सबको पता है। अब ये बॉलीवुड तक ये आग पहुंची हुई है क्योंकि अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का पैसा हवाला का पैसा मुंबई की फिल्मों में लगा है, मुंबई की फिल्मों में हवाला का पैसा लगा है। और जो सैफ अली खान जैसे एक्टर हैं उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। ये बंदा कहता था कि जो है भारत, तो भारत नाम का तो कोई देश ही नहीं था अंग्रेजों के आने से पहले, इसका बयान बता रहा हूँ। अच्छा, भारत नाम का कोई देश नहीं था तो कंगना ने पूछा था फिर महाभारत क्या है। गीता पढ़ लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हे भारत, और जो भारतवर्ष भारत का नाम पड़ा है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि भारत का नाम आर्यावर्त था रामायण के समय में, हिंदुस्तान का जो पुराना नाम है वो आर्यावर्त है, यानी आर्यों का रहने का स्थान, हम सब आर्य हैं, हिंदुस्तान की जो पूरी नस्ल है। तो अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, सैफ अली खान जो हैं उसके पूर्वज अफगानिस्तान से आकर के पटौदी में बसे थे जो गुड़गांव के पास पड़ता है, उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी वो जो है भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, तो वो देश के लिए खेले, उन्हें तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और भैया आशिक आवारा बन जाएगा आशिक बेचारा, ठीक है ना, एक सॉन्ग था ना कि दीवाना मस्ताना हट जाई सौदाई, है ना, पागल दीवाना मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, तो भैया जो है बायकॉट हो जाएगा और कुछ दिन में पब्लिक के जो है ना ऊपर से इतने लठ पड़ेंगे तो ओले 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 हो जाएगी, है ना, कि जब भी मैं कोई टॉपिक देखूँ तो मेरा मुंह ऐसे खुले जैसे ओले ओले पड़ेंगे ऊपर से। चलो उसमें न जाते हुए, क्योंकि ये तो है डायलॉग बाजी है, मैं और जगह भी कहूँगा ये सब बातें, क्योंकि रीज़न और मैं आपको बता देता हूँ, सैफ के अलावा जो सैफ की जो सोच है वो कैसी है वो तो पहले ही दृष्टिगोचर हो चुका देश के लोगों को, लेकिन ये अगर फ्रेम करेंगे उनको तो भैया कोर्ट में घसीट देंगे। देश में बहुत बड़े एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, मैं नहीं तो कोई और देंगे नहीं, और जो दुबई अंडरवर्ल्ड से और वहाँ से पैसा लेकर के तुम फिल्म बनाते हो, एक नहीं है, मैं तो चाहता हूँ सेंसर बोर्ड, कोई भी इतिहास से संबंधित मामला आता है तो उसके लिए एक अलग से एक कमेटी सेंसर बोर्ड के अंदर बननी चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अंदर, और उसमें वो कमेटी इसका रिव्यू करे, और रिव्यू जो से संबंधित पार्टियाँ हैं अगर उनको कोई आपत्ति ना हो तभी जा करके फिल्म को रिलीज करे। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं ड्रग्स के मामले में भी एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया जो जिसका भी जो भी नई फिल्म साइन करे वो एफिडेविट पे लिख के दे उसका डोप टेस्ट होना चाहिए, ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अब ये जो है एक डिमांड है, इसमें पॉलिटिशियंस का भी होना चाहिए, हम ये नहीं करें बॉलीवुड एक्टर्स का होना चाहिए, जब खिलाड़ियों का हो सकता है तो पॉलिटिशियंस का भी होना चाहिए और इनका भी होना चाहिए। अब ड्रग टेस्ट होगा तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अब देखो राहुल महाजन था, प्रमोद महाजन का लड़का पॉलिटिशियन का बेटा था, वो पहले उसको कोकेन लेने का आरोप लगा था, इसी तरीके से शक्ति कपूर का बेटा 2008 में एक रेप पार्टी में पाया गया था, और जो पार्टी करण जौहर के घर पे हुई आज आपको बता देना चाहता हूँ लोग कह रहे हैं क्लीन चिट मिल गई, नहीं मिली है। क्विंट नाम की एक वेबसाइट है, एक पोर्टल चलता है, उसने एनसीबी के हवाले से कहा है कि एनसीबी के सोर्सेज के हवाले से, हालांकि उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ क्विंट वालों की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एनसीबी के हवाले से सूचना दी है कि वो उस पर क्लीन चिट नहीं मिली है एनसीबी की। 27 जुलाई 2019 कोई पार्टी करण जौहर के घर पे हुई, करण जौहर ने खुद वीडियो बना के डाला, उस पार्टी में कौन कौन थे, रणबीर कपूर था, अर्जुन कपूर था, मलाइका अरोड़ा थी, वरुण धवन था, शाहिद कपूर था, अयान मुखर्जी था, जोया अख्तर थी और खुद करण जौहर था उस पार्टी की, मैं बता रहा हूँ उसको। उसके बाद में मनजिंदरजीत सिंह सिरसा ने उस पर FIR करवाई थी, जो है अकाली के MLA दिल्ली के, और NCB को लिखित में कंप्लेंट दी थी, और जब तक वो FIR की कॉपी तब तक बंद नहीं होती तब तक केस बंद नहीं होता। मुझे बताइए FIR की कॉपी कहाँ बंद हुई, और जो इसने केस डाला था बताओ उसने कोई स्टेटमेंट दी हो? और आपको मिसगाइड नहीं होना है,
आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में क्या मिसगाइड का सिस्टम बहुत चल रहा है, और हर एक का कमर्शियल रीजन होता है। लेकिन मनजीत सिंह का कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, तो मैं किसी को मिसगाइड करने के लिए यहाँ खड़े हुए नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा काम है पेचीदगियों को सुलझाना, गाइड करना। डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ, ये रहे डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ, और वो इसीलिए लेके आता हूँ लोगों को मिसगाइड नहीं, वो गाइड होने चाहिए। और सिर्फ गाइड नहीं होने चाहिए कि मैं सिर्फ गाइड करने का काम नहीं, लड़ेंगे भी। जंतर मंतर पर एक बार धरना दिया है फिर देंगे, ये लड़ाई कई लेवल पर लड़नी पड़ेगी। देखो क्या होता है, जो लड़ता है ना वही जीतता है। आप समझ लीजिए, जो जिन्होंने जिंदगी में एक मच्छर नहीं मारा ना, वो लोग बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठा दिया करते हैं, लेकिन हम सवाल नहीं उठाते, हम तो मिल के चलते हैं। हमारी कोशिश ये नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा भाई मैं लड़ रहा हूँ, नहीं भाई, इस लड़ाई को देश की जनता लड़ रही है। हम तो एक छोटे से प्रतिनिधि हैं, समझ लेना बात, एक प्रतिनिधि है पब्लिक के, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मंजीत भाई, वही अभी हम सैफ अली खान की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें अक्षय कुमार की भी, जो लक्ष्मी बॉम्ब लेके आए थे, जिन्होंने बाद में उन्हें लक्ष्मी नाम चेंज कर दिया था, उसके बाद अब राम सेतु के ऊपर ला रहे मूवी। पहले भी आपका जवाब दिया, फिर से देता हूँ। देखो उसका वो तो बदल दिया उन्होंने, लेकिन हम एक्टर को देखते हैं, हमें प्रोडक्शन हाउस पे सवाल उठाना चाहिए कि लक्ष्मी बॉम्ब का प्रोडक्शन हाउस कौन है। सबीना खान अफगानिस्तान की कोरियोग्राफर थी, राम गोपाल वर्मा ने के जो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, यहाँ से कोरियोग्राफर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया, पश्तून है, सलमान भी पश्तून है। तो ये जो सबीना खान है, इसके दिमाग की उपज है कि लक्ष्मी शब्द के साथ बॉम्ब लगाया जाए। अक्षय तो उसमें एक एक्टर है, उस फिल्म से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अक्षय की भी जिम्मेवारी बनती है इसमें, उसको भी हम सवाल भी करेंगे, और मैं मानता हूँ उसको जवाबदेही बनती है उसकी, क्योंकि उसने साइन क्यों किया ऐसी फिल्म। लेकिन उसमें प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा बड़ा जिम्मेवार होता है। कभी भी हमने क्या करता है, हम एक्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कहते हैं ये कहावत, माँ को पकड़ो भैया, चोर की माँ को पकड़ो, देसी कहावत है, ठीक है ना। अब चक्कर क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के चैनलों पे जो लोग बैठते हैं, ये लोग क्या है कि हर दूसरे सेंटेंस में इंग्लिश बोल के दिखाते हैं, तो देसी कहावतों से तो इनका लेना देना है ही नहीं, देसीपन से तो दूर बैठे। तो इनको जो है हमने देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली कौन है। अभी तो अक्षय कुमार से योगी आदित्यनाथ जाके मिले, तो ठीक है, हम उनके काम को डिनाई नहीं करते, जीवन में उन्होंने ठीक है CRPF वालों के बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे, गलत भी किया है, जितना गलत करेगा वो बता देंगे, जितना सही किया वो भी बता देंगे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत पूरी तरह बताना। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर किसी विरोधी का भी अच्छा काम है ना, तो उसको भी हम यहाँ बता देंगे। अब जैसे मैं बता देता हूँ, सलमान खान ने ISI के एजेंट का कॉन्सर्ट रद्द किया था अमेरिका के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर, रेहान सिद्दीकी का, 10 अप्रैल को। अच्छा, ISI के एजेंट का कॉन्सर्ट रद्द किया, इस काम के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं। हम कहते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपने जब उसकी जांच की मांग नहीं करी, CBI जांच की मांग नहीं करी, सुशांत के लिए खड़े नहीं हुए, तो इससे क्या जाता है, इससे तो ये जाता है कि अब आप तो कहते हो कि हम समझ में नहीं आते, हम सीधे दिल में आते हैं। आप ये भी कहते हो कि एक बार हम कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। आप तो ये कहते हो कि जो है सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, और स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो स्वैग से स्वागत नहीं हो रहा ना सबका, ये समझ लीजिए आप। तो हम यही कहते हैं, और सिर्फ यही नहीं है, एक और करेक्टर हैं अमिताभ बच्चन साहब, और वो कहते हैं कि अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं, हूँ कौन, अच्छा तुम हो कौन, तुम हो डॉन। तो डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, कोई बात नहीं, डॉन का इंतजार तो 29 स्टेटों की जनता कर रही है, लेकिन डॉन का बाहर निकलना और सुशांत के लिए न्याय मांगना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भैया आप तो जनता को कह रहे हो, वो जो कॉलर ट्यून बना बना करके जनता को संदेश दे रहे हो, तो जनता तो आपसे कुछ और डिमांड भी करती है। देखो सरकार आपसे कोई एडवर्टाइजमेंट कराती है वो तो एक अलग मामला हो जाता, आप खुद भी तो आइए ना, आप तो मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दिए फिरते थे जब इलेक्शन होता, जब इलेक्शन के लिए सामने आ सकते हो, उसमें कहते हो कि भाई घिन आती है उन लोगों से जो कहते हैं कि यूपी में इतना अपराध है, मुलायम सिंह के लिए एडवर्टाइज 2007 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपने बनाई थी, तो आप जो है इसके लिए आ जाते। एक और भी हैं जिन जो कहते हैं कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है, रहती हैं सेनोरेटर, लेकिन बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं। उनकी ही KKR की जो पार्टी थी जो वहाँ पे हुई थी कलकत्ता नाइट राइडर्स की, जिसके मालिक शाहरुख खान है और गौरी खान भी है, उस पार्टी के अंदर ड्रग्स यूज हुआ, ऐसा सरलिन चोपड़ा ने चैनल पे आके बताया। जवाब दीजिए भाई साहब।